WWE के रिंग में आपने अभी तक भारत की तरफ से कुछ रेसलर को लड़ते हुए देखा होगा, जिनमें द ग्रेट खली और जिंदर महल जैसे रेसलर का नाम शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि WWE रिंग में भारत की एक महिला भी अपने खेल से खिलाड़ियों को धूल चटा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कविता देवी के बारे में, जो कि रिंग में सलवार कमीज पहनकर उतरती हैं, और साथ ही बता दें कि ये एक बच्चे की माँ भी है। दोस्तों, कविता देवी को इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो चलिए आज जानते हैं कविता देवी की जिंदगी से कुछ जुड़ी बातें और उनकी लाइफ स्टाइल। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कविता देवी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कविता का रियल नेम कविता दलाल है और निकनेम हार्ड केडी है। कविता प्रोफेशन से एक प्रोफेशनल रेसलर है। कविता देवी का जन्म 20 सितंबर 1986 को मालवी जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ और 2021 के हिसाब से 35 साल की है। दोस्तों, कविता देवी ने स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना हरियाणा से की, जिसके बाद इन्होंने BA की डिग्री हासिल करी लखनऊ के यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, कविता काफी टाइम से स्पोर्ट्स में थी, लेकिन इन्होंने शादी के बाद इसे क्विट कर दिया, जिसके बाद कविता अपने पति से इंस्पायर हुई और दोबारा खेलना शुरू किया, क्योंकि इनके हस्बैंड भी एक स्पोर्ट्समैन थे। अब बात करते हैं कविता देवी के करियर के बारे में। दोस्तों, कविता ने अपने करियर की शुरुआत वेट लिफ्टिंग से की थी। कविता ने बहुत सी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया है। कविता ने फरीदाबाद में वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ली और नेशनल लेवल पर बहुत सी कॉम्पिटिशन भी जीती। इसके बाद कविता को स्पोर्ट्स कोटा के कारण 2008 में कॉन्स्टेबल की नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी के कारण कविता खेलों में फोकस नहीं कर पाती थी, जिस वजह से कविता ने नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा फोकस स्पोर्ट्स में देने लगी। और फिर 2016 में कविता ने साउथ एशियन गेम्स के वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता और कविता ने रेसलिंग में अपना करियर बनाने के लिए द ग्रेट खली के एकेडमी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लिया और यहां से कविता ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और यहां पर कविता का रिंग नेम हार्ड केडी था और CWE में इन्होंने रेसलर बीबी बुलबुल को हरा दिया। दोस्तों, कविता द ग्रेट खली को अपना इंस्पिरेशन मानती है। कविता ने जुलाई 2017 में मे यंग क्लासिक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिया, लेकिन कविता पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो गई। और अक्टूबर 2017 में कविता ने WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और WWE परफॉर्मेंस सेंटर से ट्रेनिंग लेने लगी और 8 अप्रैल 2018 को WrestleMania 34 से WrestleMania डेब्यू किया, लेकिन WrestleMania वुमेन्स बैटल रॉयल में इनको सारा लोगान ने हरा दिया। और फिर 18 अप्रैल 2018 को इन्होंने NXT डेब्यू किया और फिलहाल NXT से कविता लड़ती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कविता देवी आपको कैसी लगती है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कविता देवी की फैमिली से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कविता देवी के फादर एक किसान थे और जैसा कि इस पिक्चर में आप इनके फादर और मदर को देख सकते हैं। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों, इनके हस्बैंड का नाम गौरव तोमर है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की और ये एक वॉलीबॉल प्लेयर हैं। और इनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। इनके बेटे का नाम अभिजीत है और जैसा कि इस पिक्चर में आप इनकी बेटी को देख सकते हैं। बात करें कविता देवी के हाउस के बारे में, तो दोस्तों, कविता अपनी फैमिली के साथ मालवी जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रहती है और जैसा कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में, दोस्तों, कविता देवी एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करती है, जिस चलते इनके पास हुंडई की कार है। बात करें कविता देवी के इनकम के बारे में, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कविता देवी रेसलिंग करके 55 लाख रुपए साल का कमा लेती हैं। अब बात करते हैं कविता देवी के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों, इनका नेटवर्थ है 4 करोड़ रुपए। तो ये थी कविता देवी की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।